फिर एक नया शब्द से आपके साथ चिलक सरपुर गांव से। तो आज देखें मे माइट है और इसके साथ हम यूज करेंगे क्रिया का तीसरा रूप। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं? मे या माइट हैव का प्रयोग, मे हैव या माइट हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप। तो कोई क्रिया हो चुका है, ठीक है, कोई क्रिया हो चुका है उसकी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम जो है हम क्या करते हैं, मे हैव या माइट हैव के साथ जो है क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे सरल बनाने के लिए मैंने जो है तरीका बदला है थोड़ा सा, देखिए येला कोल करे ही, ये हुआ हमारे रीजनल लैंग्वेज में। अब यह किसने किया, ये हो गया हमारा नेशनल लैंग्वेज। अब एक बात देखिए, ये हमारा द्वितीय भाषा में हु मे माइट हैव डन दिस। अब देखिए ये मे या माइट हैव, अब कोई भी दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक मे हैव डन दिस या माइट हैव डन दिस। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ये क्रिया का तीसरा रूप और मे या माइट है, ठीक है। अगला उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा मेरे साथ आपको। अब देखिए उसी का हम आंसर समझते हैं कि एला कौन करे से। अब देखो ये मोला लगत है ओहर करे है, या मुझे लगता है उसने किया होगा। अब देखें तो यहां पर अब मोला लगत है या मुझे लगता है तो क्या हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक। अब उसके बाद ओहर या उसने तो ही, मे या माइट, माइट हैव और किया होगा डन दिस, तो मजा आया ना। तो इस प्रकार से मुझे लगा थे ओहर करे है, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, मुझे लगता है उसने किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। और उदाहरण से समझते हैं इसको, देखिए मोर थैली ला कौन चुराए है, या मेरी थैली किसने चुराई होगी। अब देखिए तो यहां पे एक हमारा ये कौन शब्द आया या किसने, तो उसके लिए एक हमारे पास वर्ड है डब्ल्यू एच वर्ड, हु, किसने या कौन। अब माइट हैव क्या चुराए या चुराई, इस क्रिया का थर्ड फॉर्म स्टोलेन, हु माइट हैव स्टोलेन मोर थैली या मेरी थैली, तो माई बैग क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ रहा है ना, मोर थैली ला कौन चुराए है या मेरी थैली किसने चुराई होगी। अब हम इंग्लिश में क्या हो गया, ये हु माइट हैव स्टोलन माई बैग, ओके। और एक उदाहरण दे लेते हैं, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ और हर बार आपको अच्छे तरीके से नए तरीके से आपको सिखाने का काम करूंगा। देखिए ओहर का परीक्षा मां पास हो गई, और हिंदी में देखे तो उसने क्या परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। देखिए ध्यान से, ओहर का परीक्षा मां पास हो गई या उसने क्या परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। तो ये क्या शब्द आया है या का शब्द आया है, तो इसके लिए हमको डब्ल्यू एच वर्ड लेना पड़ेगा, व्हाट, ओके, व्हाट माइट हैव, माइट हैव ही ओहर या उसने, व्हाट माइट हैव ही, अब क्रिया का तीसरा रूप, पास द एग्जाम या ओनली पास कहोगे तो भी समझ में आ जाता है। तो व्हाट माइट हैव एंड क्वेश्चन मार्क, व्हाट माइट हैव ही पास द एग्जाम। तो इस प्रकार से हम बड़े आसानी से अंग्रेजी को हंसते हंसते खेलते खेलते समझेंगे और डेली यूज करेंगे और सीखते जाएंगे।
ओके, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।